मैं डॉक्टर मोहम्मद मुनीर हमीरानी है, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में मिस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। एक तो ये कॉमन बात लोगों को लगती है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर ख़त्म नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। ट्रीटमेंट के साथ डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों में फ़र्क आ जाता है और दोनों बेहतर हो जाती हैं। दवाई, हमारा मसला ये है कि दवाई कुछ अर्सा खानी पड़ती है, जैसे ज़ुकाम नज़ला खांसी की दवाई हफ्ते 10 दिन में काम कर जाती है और ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लोगों को लगता है कि ये दवाई महीनों खानी पड़ती है, शायद सालों खानी पड़ती है, शायद हमेशा खानी पड़ेगी। इस वजह से लोगों में ये अवेयरनेस नहीं रहती और इस वजह से भी अवॉइड करते हैं लोग। दूसरा मसला ये भी है कि लोगों में स्टिग्मा बहुत है, जिसकी वजह से लोग समझते नहीं है इसको समझते हैं कि ये कोई कमज़ोरी है, या जिसकी वजह से लोग इसकी इलाज में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते या अवॉइड करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाना। और इसमें डॉक्टर्स भी शामिल है, वो नहीं चाहते कि कोई दवाई खाई जाए, इस तरह खिलाई जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स प्रेगनेंसी में हमारी दवाइयाँ बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जिस डॉक्टर ने दवाई दी है उससे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। अगर उससे पूछा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर बताएगा कि ये दवाई प्रेगनेंसी में चल सकती है नहीं चल सकती। बहुत सारी दवाई हमारी अभी इस वक्त जो अवेलेबल हैं डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, वो प्रेगनेंसी में दी जा सकती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि जिसने दवाई लिखी है उसी से बात की जाए या उसी के पास रेफर किया जाए कि एक दफ़ा उनसे पूछ लो कि ये दवाई प्रेगनेंसी में खा सकते हैं कि नहीं। तो इससे भी बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। इसी तरह अवेयरनेस के हिसाब से जैसे स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से वो ज़्यादातर इस गुस्से की अलामत से डिप्रेशन में आते हैं कि उनमें गुस्सा बढ़ जाता है या उनमें प्रॉब्लम सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगती हैं या इवन ड्रग एक्सपेरिमेंटेशंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे उनको समझाया जा सकता है और बताया जा सकता है कि किस तरह ये चीज़ों से जान छूट सकती है, इस किस्म के ड्रग्स ऑफ एब्यूज से जान भी छूट सकती है और ये ट्रीटेबल है, काफ़ी चीज़ें ट्रीटेबल हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बायोलॉजिकल नेचर की होती हैं, इस वजह से इनका इलाज भी मुमकिन है। तो ये बेसिक मैसेज मैं देना चाहता हूँ आज के हवाले से।